हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी क्या रहेगी एक दूसरे के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में लव लाइफ में आगे क्या होगी ये देखते हैं हम। तो स्टार्ट लव मैसेजेस से करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपसे लव करते हैं। ऐसे क्या बातें उनको आप में पसंद आती है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए उन पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। और गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं करता उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बट व्हाट्सएप करना ठीक है, कॉल्स बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी कौन सी बातें उनको ज़्यादा पसंद आती है, उनको पसंद आती है कि वो आपसे लव करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, तो उनका फर्स्ट मैसेज है, वेन एवर यू आर फीलिंग लो जस्ट कम टू मी, माई आर्म्स वुड ऑलवेज बी ओपन टू एम्ब्रेस यू। तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको हग करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं आपसे कि जब भी तुम लो फील करती हो करते हो जस्ट मेरे पास आ जाओ, मेरी बाहें तुम्हें गले से लगाने के लिए हमेशा खुली है। तो ये आपसे कह रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आया है। तो आई प्रोमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो कह रहे हैं आपसे कि मैं प्रोमिस करता हूँ, करती हूँ कि मैं पूरी लाइफ तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और हमेशा पूरी लाइफ जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। तो आने वाले दिनों में ये आपको प्रॉमिस करेंगे, ये कुछ एफर्ट्स डालेंगे। अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं तो ये आपके लिए ज़रूर एफर्ट्स डालेंगे। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही ये हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, या कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि ये हमेशा पूरे लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रही है कि ये आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी इनके तरफ से थी तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में इनको भड़का रहे हैं तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। और देखते हैं क्या है इनका मैसेज आपके लिए। आई जस्ट वन बी योर टेडी बियर। तो कह रहे हैं कि मुझे तो बस तुम्हारा टेडी बियर बनना है। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी। तो आप इनके एक्साइटमेंट बढ़ाते हो, बढ़ा देते हो। आप इनके लाइफ के लाइट हो। जब आप इनके लाइफ में होते हो तो इनका लाइफ प्रज्वलित रहता है, लाइट रहता है इनके लाइफ में, और ये आपसे लव करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो ये अपने लाइफ से प्यार करते हैं क्योंकि इनके लाइफ ने आपको दिया है, और ये आपसे लव करते हैं क्योंकि आप इनके लाइफ हो। और लास्ट मैसेज, यू आर द प्रिंसेस ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इज स्टैंड बींग विथ यू ऑन दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड से इनको कुछ नहीं चाहिए आपके साथ के अलावा। ये आपके साथ ही चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये आपको प्रपोज करने वाले हैं।
और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपको इस यूज करेंगे, ओके। अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऑप्शंस दिखाया जा रहे हैं तो ये आपको ही चूज करेंगे, डोंट वरी। अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं तो गाइस देखते हैं इनकी एनर्जी, ओके, आने वाले दिनों में क्या रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं आपसे कहना चाहूँगी अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा यार, ओके, क्योंकि हमेशा हमारा इंट्यूशन सही गाइड करता है, तो अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुनिएगा। क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के फीलिंग्स, उनके एनर्जी आपके लिए। रेबर्थ, वाओ, एंड यहाँ पर है माइंड। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस रिलेशनशिप में। तो गाइस मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से परेशान, थोड़े से नहीं, थोड़े से परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आने वाले दिनों में ये पर्सन और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, इनका मूड ख़राब रहेगा। अगर कोई आप दोनों के बीच आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, फ्रेंड्स आ रही है, तो इनका मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस पर्सन का, ठीक है। तो किसी से भी लड़ाई करना, बेवजह किसी पर चिल्ला देना, ये इनके एनर्जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव थोड़ा सा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट वो नहीं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, या किसी वजह से नहीं हो रही है आप दोनों के बीच रिबर्थ, एक नई शुरुआत, आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, ओके, नहीं हो रही है किसी वजह से, जिसके वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ओके। तो ये मुझे थोड़े से निराश, परेशान दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये पर्सन और भी ज़्यादा होने वाले हैं, इनको एक नई शुरुआत चाहिए रहेगा। ये लियो हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका या आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप या तो ये पर्सन हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आने वाले दिनों में। मुझे आप दोनों के बीच रिबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, या आप इनको नहीं समझ पा रहे थे, तो आप दोनों के बीच मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच मुझे बातचीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बैठकर आप दोनों सबको शॉर्ट आउट करेंगे, सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शुरुआत में मुझे थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, बहस दिखाई दे रहा है, जिससे आपको बचना है, ठीक है, आपको बचना है। और अगर आपकी एनर्जी निगेटिव होती है तो गाइस खुद को कूल एंड काम रखिए प्लीज़, ओके। और लड़ाई से बचना है आप दोनों को। क्या होगी आने वाले दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी? फाइटिंग, जो कि मैंने कहा था, ठीक है, शेयरिंग। तो मुझे कोई एक पर्सन काफी ज्यादा लव इमोशनल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक पर्सन मुझे ये लग रहा है कि ना, देखिए ये ना मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लड़ाई के मूड में हो, आप नाराज़ हो, जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई है, जो कुछ भी इन्होंने किया है, इनकी हरकतों की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, आप मुझे थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हो, थोड़े से फाइट करने के मूड में दिखाई दे रहे हो। ये आपका एनर्जी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है। मुझे आप दोनों में से कोई एक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वाले मूड में दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। और एक बंदा पूरे तरीके से लव के लिए, रोमांस के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रहा है। कोई एक बंदा यहाँ पर अपना लव, अपना केयर देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, और कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा थोड़े से लड़ाई के मूड में हैं। तो आप दोनों को ही सेम पेज पर होना पड़ेगा, ठीक है, यूनियन के लिए सेम पेज पर होना पड़ेगा। अगर आप दोनों सेम पेज पर नहीं रहोगे,
इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी तो कैसे यूनियन होगी आप दोनों के बीच, बताइए मुझे। तो कोई थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले दिनों में, क्या होगी इनकी एनर्जी। पॉसिबिलिटीज और कॉन्शियसनेस, ये आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए पूरी तरीके से ये पर्सन रेडी हैं, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, ओके, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये कॉन्शियस हो रहे हैं और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, ओके, ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन्होंने कभी आपसे ये कही थी कि नहीं सब कुछ सही नहीं हो सकता हमारे बीच, तुम भूल जाओ मुझे, या ये ऐसे दिखा रहे थे कि ये आपको भूल रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, तो अब ये पर्सन खुद ही आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ओके, ये पर्सन खुद ही आपके लाइफ में आना चाहते हैं और आएंगे। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों का यूनियन होने का, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा होप है इनको, इनको पॉसिबिलिटीज़ लगता है कि यस हमारे बीच सब कुछ सही होगा, हमारे बीच यूनियन होगी। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से इनसिक्योर हैं, ठीक है, इनको किसी भी तरह का डर थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है इनमें। और देखते हैं इनका एक्शन देखते हैं, ओके, इस पर्सन का एक्शन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्टैंड लेंगे ये पर्सन आपके लिए। साइंस बता देती हूँ, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरिस लियो सैजिटेरियस, और मुझे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस भी है। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस। तो देखिए यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओके, मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरह के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, अगर आपका कोई डिमांड है इस पर्सन को लेकर, तो आपकी जो कुछ भी डिमांड है वो पूरी होगी, ओके। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो ये पर्सन आप कमिटमेंट देंगे, अगर आपको आप चाहते हो कि आपके लिए स्टैंड लेंगे तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओके। जो कुछ भी आपका विश है वो पूरे होने वाला है, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड हो सकता है जो कुछ भी आपका विश है, ये आपको प्रपोज करे, आपको प्रपोजल दे, आपसे माफ़ी मांगे, जो कुछ भी इन्होंने किया है, जो कुछ भी आपका विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के बीच मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है, रिबर्थ का कार्ड आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। और गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये पर्सन ऐसे ही आपको घुमाते रहे, ओके, अगर आपको क्लैरिटी इस पर्सन ने नहीं दिया तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, बस अगर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, एक शब्द नहीं ले सकते, जो कुछ भी आपका डिमांड है अगर इन्होंने पूरी नहीं की, तो आप अपने लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ओके, आप अपनी लाइफ का एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। तो मुझे आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ पर फोकस रहेगी, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये रही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, बाय।